जय हिंद फ्यूचर ऑफ इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में एक बार फिर से डिस्कशन करेंगे यामिनी इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड को। यामिनी इन्वेस्टमेंट को मैं पिछले काफ़ी दिनों से फॉलो कर रहा हूँ और फॉलो करने का ही नतीजा है कि इसमें जिन लोगों ने भी इन्वेस्टमेंट किया है उनको ठीक ठाक पैसा कमाने का मौका मिला। अभी देखेंगे तो शेयर प्राइस जो रेंज बाउंड में घूम रहा था उसको ब्रेकआउट करने के बाद एक बहुत अच्छा इसने रिटर्न दिया है अभी कुछ दिनों में। अब जाके प्राइस में थोड़ा सा रिट्रेसमेंट होने के लिए प्राइस नीचे आ रहा है, जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है तकरीबन 5% के आसपास गिरावट देखने को मिली है। हालांकि ये लोअर सर्किट नहीं है, आपको इस घबराना नहीं, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करने के लिए प्राइस नीचे आ रहा है फिर ऊपर जाएगा। इस एनालिसिस को हम चार्ट पर समझेंगे, उसके पहले हम लोग बी एस इंडिया वेबसाइट पर चलते हैं और वहाँ पर डिटेल्स लेते हैं और उसके बाद आगे की एनालिसिस इस पर हम लोग करेंगे। अभी हम लोग बी एस इंडेक्स वेबसाइट पर आ गए हैं। यहाँ पर मैंने यामिनी इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड को ओपन कर लिया है। देखिए यामिनी इन्वेस्टमेंट ज़्यादातर आपको ईएसएम की किस श्रेणी में देखने को मिल जाता है, तो ईएसएम या एसएम जैसी कैटेगरी यदि स्टेज वन और स्टेज टू में है तो इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। हालांकि एक नेगेटिविटी तो मार्केट में स्टॉक को लेकर फैल जाती है, लेकिन जैसे मैंने कल की वीडियो में बताया था कि जब स्टॉक ग्रो कर रहा हो और वो ग्रोइंग स्टॉक को लगता है कि फ्यूचर में स्टॉक ग्रो करेगा तो उसको यदि स्टॉक का ईएसएम या जीएसएम कैटेगरी स्टेज वन स्टेज टू में है तो उसको लेकर घबराना नहीं चाहिए। बहरहाल नोटिफिकेशन में जब आप देखते हैं तो नोटिफिकेशन में देखने को मिलेगा कि आज बहुत दिनों के बाद यहाँ पे देखेंगे अपर सर्किट लग रहा था तो बहुत दिनों के बाद आज लोअर सर्किट लगा है, लेकिन जैसे मैंने बताया कि एक दिन की लोअर सर्किट है, ये 5% के आसपास जो गिरावट देखने को मिला है इससे आपको घबराना नहीं है, क्योंकि ओवरऑल अभी भी स्टॉक का जो ट्रेंड है वो क्या है, पॉजिटिव है, प्राइस ऊपर जा रहा है। अब प्राइस जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करने तो नीचे आएगा, तो वही थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करने के लिए नीचे आ रहा है, फिर थोड़ा सा बाउंस बैक लेकर ये थोड़ा सा नीचे आके सपोर्ट लेके बाउंस बैक करेगा स्टॉक और ऊपर जाएगा। इसको हम चार्ट पर आगे डिटेल में समझने वाले हैं। देखिए यामिनी इन्वेस्टमेंट में आपको थोड़े बहुत गिरावट से इसलिए भी नहीं घबराना है क्योंकि यामिनी इन्वेस्टमेंट जिसने मैंने बताया है कि ये जो कंपनी है फाइनेंस के सेक्टर से बिलोंग करती है, लोन्स वगैरह प्रोवाइड करती है और यहाँ पे थोड़ी बहुत ये कंपनी इन्वेस्टमेंट के मार्केट में भी इन्वॉल्व है, कामकाज काफ़ी बढ़िया है और जो कंपनी वर्क करती है वर्क के साथ साथ यदि कंपनी का फंडामेंटल भी बढ़िया है तब तो फिर कुछ सोचना ही नहीं है। तो ये जो यामिनी इन्वेस्टमेंट कंपनी है इसका काम भी बढ़िया है और प्लस फंडामेंटल भी बढ़िया है, क्योंकि 125 करोड़ से ऊपर की कंपनी है, यानी कि जो हमारा बेसिक क्राइटेरिया होता है कि कोई कंपनी यदि 100 करोड़ के अंडर में है तो वो एक सेफ जोन में आ जाती है, मतलब इजिली उसको मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता, तो ये तो इस लिहाज से देखेंगे तो यहाँ पर सेफ जोन में है ही, प्लस यहाँ पर कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी भी ठीक ठाक है, माइनस में नहीं है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कंपनी का एक जो बेसिक फंडामेंटल होता है वो भी है और जो मेन फंडामेंटल होता है जो हम लोग आगे समझेंगे वो भी मैं आपको दिखा दूंगा, वो भी ठीक है। बहरहाल फिलहाल हम लोग कंपनी के एक्सेल के चार्ट को एनालिसिस करते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए पिछले कई दिनों से मैं चिल्ला के यही कह रहा था कि स्टॉक अभी क्या है कि रेंज बाउंड में है और जब भी रेंज बाउंड में स्टॉक होता है तो आपके लिए बल्ले बल्ले होता है, क्योंकि स्टॉक जब भी रेंज बाउंड से बाहर निकलता है तो हम सभी जानते हैं कि प्राइस ऊपर जाता है। तो इस रेंज बाउंड से जब प्राइस निकला तो प्राइस गया ऊपर, ऊपर गया तकरीबन 2 रुपये 60 पैसा के आसपास। और यहाँ पे क्या था, देखिए होता क्या है कि प्रीवियस जो हाई होता है लगभग उसके डबल जाता है, तो ये तकरीबन 1 रुपये 40 पैसा का हाई है तो तकरीबन 2 रुपये 60 2 रुपये 80 पैसे के आसपास तक गया, आपने डबल तक गया। यहाँ पे जाने के बाद थोड़ा सा जिसमें बताया रिट्रेसमेंट करने के लिए प्राइस नीचे आ रहा है, आसान भाषा में कहें तो ये जो प्राइस नीचे आ रहा है ये आ सकता है 2 रुपये 20 पैसे या 2 रुपये तक आ सकता है, यानी कि इस लेवल तक आ सकता है और यहाँ से फिर रिट्रेसमेंट सपोर्ट लेके प्राइस यहाँ से ऊपर उठेगा। तो फिर जब यहाँ से ऊपर उठेगा तो इजिली ये कम से कम आपको तो कम से कम ये आपको अभी 5 रुपये तक इजिली जाते हुए दिखेगा और अभी इसमें आगे और भी टारगेट बड़े हैं, लेकिन फिलहाल शॉर्ट टर्म में बात कर रहा हूँ, इजिली आपको 4 से 5 रुपये तक शॉर्ट टर्म में जाते हुए दिखेगा। तो अभी आपको घबराना नहीं है इसमें गिरावट से, जिन लोगों ने टॉप पर भी बाई किया है यदि पहली बार बाई किया है एकदम टॉप पर तो उन लोग चाहे तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, इसमें से निकल सकते हैं। बाकी इसका पहले से इन्वेस्टमेंट है जिन लोगों ने इस रेंज अमाउंट में अंदर कहीं बाई किया होगा वो अभी भी होल्ड करके चल सकते हैं, और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किए हैं तो बेशक आप इसको होल्ड करके चलिए। ओवरऑल यदि इस कंपनी का हम लोग मैक्सिमम जब चार्ट देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि मैक्सिमम चार्ट तो इस कंपनी का बहुत ऊपर तक गया है, वैसे इसमें देखेंगे तो ये 40 रुपये के आसपास तक सपोर्ट है, ऊपर फिर 60-70 रुपये के आसपास है, लेकिन ये बहुत दूर का टारगेट है, मैं शॉर्ट टर्म की बात कर रहा हूँ। पहले स्टॉक को जैसे मैंने बताया 5 रुपये तक आने दीजिए, 5 रुपये तक आने के बाद इजिली इसका प्राइस जब 10 रुपये तक आएगा फिर इसमें एक बहुत बड़ा मोमेंट आते हुए दिखेगा, जैसे सुजलॉन के केस में हमें देखने को मिला, सुजलॉन एकदम नीचे से उठ के फिर ऊपर गया, ये सेम चीज़ यामिनी इन्वेस्टमेंट में भी आपको देखने को मिलेगा। जब आप कंपनी के ओवरऑल फंडामेंटल की बात करते हैं जिससे वाकई कंपनी के फंडामेंटल्स मजबूत होते हुए देखते हैं तो उसमें हमें कंपनी के क्वार्टर्स के नंबर को देखने होते हैं। क्वार्टर्स के नंबर आपको देखने को मिलेगा कि ओवरऑल यदि देखें तो एक बेसिक ही कंपनी का सेल्स पिछले कुछ समय से रह रहा है जो कि अब कहीं ना कहीं बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, ये एक आध क्वार्टर रिजल्ट को छोड़ दें तो ओवरऑल मतलब एक एवरेज रिजल्ट कंपनी का आ रहा है। और कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वह भी देखेंगे तो पहले ज़्यादातर कंपनी का प्रॉफिट लॉस में देखने को मिलता था, लेकिन अब जाके कंपनी
वाकई में प्रॉफिटेबल हो गई है, और प्रॉफिटेबल होने का ही नतीजा है कि कंपनी के पास वर्तमान में कोई डेब्ट नहीं है, यानी कि एकदम ये डेब्ट फ्री कंपनी है, और प्लस कंपनी के पास रिजर्व पैसा जो फ्री कैश फ्लो होना चाहिए वो कंपनी के पास ठीक ठाक मात्रा में है। ओवरऑल यदि देखेंगे इस कंपनी में शेयर होल्डिंग पैटर्न की मैं बात करूँ तो इसमें प्रमोटर्स की मात्रा भी तकरीबन 2% के आसपास है। मतलब ये हुआ कंपनी के जितने भी बेसिक ढांचा होने चाहिए, बेसिक ढांचा में जो जो चीज़ें होनी चाहिए सारी चीज़ें यहाँ पे आप स्पष्ट रूप से देखने को मिल रही है और सही अनुपात में देखने को मिल रही है। तो इस बेसिस पर हम कह सकते हैं कि यामिनी इन्वेस्टमेंट अभी भी ग्रो कर रहा है और आगे भी इसमें ग्रो करने के भरपूर चांसेस हैं। तो जिन लोगों का पहले से इन्वेस्टमेंट है उनकी तो बल्ले बल्ले है, आप होल्ड करके चलिए। जिनका नहीं है, सही लेवल आने के बाद मैं बताऊंगा कहाँ पर अभी बाई कर सकते हैं, अभी तो बाई करने का सही समय नहीं है, वहाँ पर आप बाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मन में कोई सवाल होगा कमेंट में भी पूछ लीजिएगा, मैं सबको कमेंट कर रिप्लाई देता हूँ। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।